हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात करेंगे प्लेजरिज्म कैसे हम रिड्यूस करें और जो सिमिलरिटी इंडेक्स है उसको हम कैसे रिड्यूस करें एक बड़ा परसेंटेज से, जैसे कि 82 आप यहां पे देख पा रहे हो, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं 0%। इज इट पॉसिबल? और बिलो 10% हम इतना बड़ा एक नंबर से उसको रिड्यूस कर पाएंगे? यस, इट इज़ पॉसिबल, बट कैसे करें उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आप जो डिराइव किया हो UFO, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड और आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करने के लिए, सो दैट जब भी आप इस टाइप का सिचुएशन में आओ तो आप इसको फॉलो कर पाओ और उसको रिजॉल्व कर पाओ। तो आपको याद होगा, कोई मिल गया जादू, उसको ही दिमाग में बिठा दो, वो फॉर्मूला को यहाँ पर हम लाएंगे। तो फर्स्ट थिंग क्या है, तो आपको समझना है कि आप ऑथेंटिकेट, ओरकुंड और टर्निटिन कोई भी यूज कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक सिमिलरिटी इंडेक्स आ रहा है जो कि अबव 50% है, और वहाँ पे आपको क्या करना है, आपका यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन के हिसाब से आपको बिलो 10% लाना है, QGC पॉलिसी फॉलो करना है, बिलो 10% लाना है, इवन 0% तक आपको लाना है। तो आप कैसे करोगे, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट तो आपको एक जो आपने रिसर्च पेपर बनाया है कि जो थेसिस बनाया है उसको पहले आपको समझना है। जो UFO मैं बात कर रहा था यहाँ पे उसका ही रोल आएगा यहाँ पे। यू फर्स्ट आपको ये समझना है, यू यहाँ पे स्टैंड फॉर अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको समझना है पहले कि आपका जो रिपोर्ट है, आपने जो बनाया है, जो पेपर आपने बनाया है, वो पहले आपने कैसे लिखा है उसके ऊपर आपको नॉलेज होना है। आपने कहीं से कुछ कंटेंट लिया है, कुछ एक्सटर्नल सोर्स से आपने उसको साइट किया है, नहीं किया है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया है, वो पहले आप थोड़ा दिमाग में बैठा लो, क्योंकि उसी के हिसाब से ही आपका फिर जो रिपोर्ट सिमिलरिटी इंडेक्स आएगा उसी के हिसाब से ही आपको दिखाई देगा। कोई सॉफ्टवेयर उसको अच्छे से पकड़ पाएगा, कोई अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टर्निटिन को यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक डेमो के लिए एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन मेथड एंड कंक्लूजन आपको बना के यहाँ पे रख दिया हूँ। बट अगर आप मान लो जो अंडरस्टैंड हम बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन पे मोस्टली अगर वो सिमिलरिटी इंडेक्स की जो आपको कलर आ रहा है जिसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि ज़्यादा ओवरलैप है, तो वो आपका लिटरेचर रिव्यू से हो सकता है और वहाँ पे आप काम अच्छे से कर सकते हो। बट अगर आपका मेथड एंड रिजल्ट सेक्शन पे आ रहा है तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आपको थोड़ा रीथिंक करके फिर से देखना पड़ेगा कि आपने कुछ नया किया है नहीं किया है, आपको उसको पब्लिश करना है नहीं पब्लिश करना है। अगर आपको एक सर्टन पता है कि आपने जो काम किया है वो आप ही का काम है और आपको पहले जो काम हुआ है उसको क्रेडिट दे के फिर उसको आप डिराइव और कुछ किए हो, कुछ एक एक्सटेंडेड काम किए हो किसी काम जो ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, तो उसको आपको प्रॉपरली साइट करके आगे बढ़ना है। तो वो आज भी देखेंगे, सो दैट ऐसा ना हो कि मैं आपको बोलते जाऊं कि 100% सिमिलरिटी इंडेक्स है एंड आपको 0% पे आप ले आ पाओगे, आ पाओगे, बट वो एथिकल है नहीं है, वो भी हमको ध्यान पे रख के हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, इसी रिपोर्ट को 1018 पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। मेरा नाम डेमो पेपर है उसको मैंने सिलेक्ट किया और जब अपलोड किया यहाँ पे मैं कंफर्म कर रहा हूँ फाइल को अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आपको वर्ड काउंट एंड अदर थिंग सब बता देगा टर्निटिन, जो आप आई थिंक आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे आप देखो मुझे टर्निटिन का रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। तो यहाँ पे मुझे हम लोगों को मिल रहा है 82%। तो 82% कहाँ से आ रहा है, अगर हम रिपोर्ट को यहाँ पे देखें तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा पूरा जो रेड, ग्रीन, ब्लू सब कुछ, लाल पीला हरा हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका 82% यहाँ पे सिमिलरिटी इंडेक्स को दिखा रहा है। कौन कौन से सोर्स है, ये सब सोर्सेस है, ये आपका इंटरनेट बेस्ड सोर्स है, कोई पे कोई पेपर पब्लिश हुआ वहाँ से आ रहा है, कोई वेबसाइट से आ रहा है, इंटरनेट सोर्सेस आप देख सकते हैं, ये पब्लिकेशन है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कौन कौन से सोर्सेज से वो पकड़ रहा है और आपका टोटल परसेंटेज आ रहा है। तो यहाँ पे स्टिल हम जा रहे हैं यू पे, अंडरस्टैंड पे, क्योंकि हमको समझना है रिपोर्ट हमको क्या बताना चाहता है। तो इंटरनेट सोर्सेज पे हमने जहाँ पे भी जो लिया है
पहले तो ये है कि आपको अगर इसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर इतना परसेंटेज आपको आ रहा है तो आपको रीराइट करना है कि फिर से काम रीइनिशिएट करके फिर से आपको नो लिखना है, इट्स अप टू यू। क्योंकि वहाँ पे अगर आपका ये सेक्शन पे आ रहा है, मेथड सेक्शन पे, रिजल्ट सेक्शन पे, दैट मीन्स कि वो कहीं पे उठाया गया है कि आप दूसरे किसी का काम को इवैल्यूएट कर रहे हो, उसको आप बोल रहे हो कि नहीं आप इसको फिर से यू नो पाराफ्रेज करके कि आप फिर से उसको लिख के लाओ फिर हम चेक करेंगे, तो वहाँ पे वो गलत हो सकता है क्योंकि वो मेथड एंड रिजल्ट सेक्शन पे भी दिखा रहा है। बट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सेक्शन पे आ सकता है। अगर आ रहा है हायर सिमिलरिटी जैसे 82%, उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन पे ही आ रहा है ये 82% और उसी को लेके हम ध्यान आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा 82% आ रहा है तो अभी तो मुझे इसके ऊपर काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं फर्स्ट थिंग जो यू मैं समझ गया, यू तो हो गया अंडरस्टैंड कि कहाँ से आ रहा है, मैंने कैसे लिखा था और क्यों आ रहा है, और अभी मुझे क्या करना है, मतलब मुझे अगर कुछ टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना है कि ये जो टर्निटिन मैं यूज कर रहा हूँ उसको अगर सही से ऑप्टिमाइज वे पे मुझे यूज करना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या हथियार है जिसके थ्रू तो फर्स्ट मैं एक राउंड सेव हो जाऊँ, मतलब मैं कुछ फिल्टर कर दूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे जो एफ है, एफ स्टैंड फॉर फिल्टर, तो यू हो गया, एफ यहाँ पे क्या है फिल्टर। फिल्टर हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट आप लोगों को अपना पॉलिसी देखना है, आपका यूनिवर्सिटी का पॉलिसी, तो जहाँ पे मोस्टली आप एक्सक्लूड कर सकते हो यहाँ पे कोर्ट्स, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एक्सक्लूड कोर्ट्स। बिब्लियोग्राफी और जो रेफरेंसेस है उसको भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूड सोर्सेस लेस देन और वर्ड और परसेंटेज के हिसाब से आप कर सकते हो कि नहीं, ये आपका पॉलिसी में आपको देखना पड़ेगा। अगर वर्ड्स मान लो आप 5 कंजिक्यूटिव की अप टू 14 कंजिक्यूटिव वर्ड आप एक्सक्लूड कर सकते हो, ये अगर हम यूजीसी पॉलिसी देखें वहाँ पे 14 कंजिक्यूटिव वर्ड है, बट इट इज़ अगेन देखिए जैसे ही कुछ एक टेक्निकल वर्ड है, जैसे कि हम मशीन लर्निंग है, इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग है, कि जहाँ पे हम उसको अल्टर नहीं कर सकते उस टाइप का वर्ड हम उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपका यूनिवर्सिटी का नाम रिपीट हो रहा है आपका पूरा रिपोर्ट पे, उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, तो वो सब हम एक्सक्लूजन कर सकते हैं। बट मेनली परसेंटेज 2%, 5% ये एक्सक्लूजन अभी नहीं है। कोई कोई जर्नल करता है, अब वो लोग जब आप जब पेपर सबमिट करो, वो लोग जब इनिशियल स्क्रीनिंग करते उस टाइम पे दे माइट यू नो एक्सक्लूड फ्यू परसेंटेज, 5%, 2%, वाट एवर परसेंटेज, बट हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। जब हम अपना रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो हम नहीं करते हैं, तो ये अभी तो आप नहीं कर रहे हो, तो ये आप देख लो क्या क्या फिल्टर कर सकते। कोट आपने एक्सक्लूड किया, बिब्लियोग्राफी एक्सक्लूड किया और रेफरेंस एक्सक्लूड किया, तो ये एक फर्स्ट स्टेज ऑफ फिल्टरिंग आपका यहाँ पे बन गया। तो एफ को कंटिन्यू करके चलते हैं और अभी देखते हैं और एक टेक्नोलॉजी और एक सॉफ्टवेयर का भी हेल्प लेते हैं, क्या है ग्रामरली। ग्रामरली और सिमिलर जो आपका लैंग्वेज एडिटर के लैंग्वेज करेक्शन की जहाँ पे ग्रामर रिलेटेड करेक्शन हो रहा है उसको भी यूज हम अभी कर पा रहे हैं, एथिकली पॉसिबल है क्योंकि जर्नल भी सजेस्ट करता है कि आप लैंग्वेज करेक्ट करके फिर से सबमिट करो, और तो वो हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना फिल्टर डालने से पहले, क्योंकि वो मैं फिर बाद में चेक करूँगा टर्निटिन में जाके, तो यहाँ पे मैं पहले तो क्या कर रहा हूँ, अब मेरा जो पेपर है यहाँ पे जब मैंने ग्रामरली पे देखा तो आपको दिखने में आ रहा होगा ये अंडरलाइन जितना भी है जो कलर पे है, तो बेसिकली सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ है। एंड क्या कितना गड़बड़ है, 27 इशूज वो मुझे दिखा रहा है। बट मैं जब उसको और एक फीचर आता है ग्रामरली में कि उसका प्लेजरिज्म कितना है, तो जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो 0% कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो ये तो मुझे पता चल रहा है कि ग्रामरली के थ्रू प्लेजरिज्म रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन कि आपको उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, कभी कभी मिलता है जो कि उतना भी रिलेवेंट नहीं है। तो अभी ये सब वर्ड आप अगर करेक्ट कर रहे हो
जो भी है कमा, और अगर स्पेलिंग मिस्टेक है जो भी है मैंने करेक्ट कर लिया। अभी करेक्ट करने के बाद उसको मैं फिर क्या करूँगा, उसको मैं फिर अभी आगे बढ़ता हूँ। और अभी देखिए मैंने उसको करेक्ट कर लिया, यहाँ पे जब मैंने करेक्शन सब कर लिया तो यहाँ पे आपका टोटल इशू नो इशू फाउंड हो गया। तो ठीक है, ग्रामरली को मैंने अप्लाई कर दिया। प्रीमियम वर्सन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर प्रीमियम वर्सन आपके पास है, फ्री वर्सन पे भी आप काम कर सकते हो, बट ये जो 27 इशूज़ मैंने बताया था वहाँ पे आपको 10 और 12 इशू दिखा सकता है, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप ग्रामरली यूज करना चाहो लैंग्वेज करेक्शन के लिए कर सकते हो, बट उसको मेरे मन में ये है कि मैंने अभी कुछ लैंग्वेज करेक्शन कर दिया और अभी मैं चेक करता हूँ मेरा जो 82% था शायद वो रिड्यूस हो जाए, तो मैंने उसको फिर अभी टर्निटिन पे आके यहाँ पे मैं डेमो अंडरस्कोर ग्रामरली उसको रीनेम किया, क्योंकि उसको मैंने ग्रामरली अप्लाई किया है। उसको मैं जब अभी अपलोड कर रहा हूँ, वर्ड काउंट वगैरह आपका आ गया, अपलोड हो गया, तो आप देखो यहाँ पे कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंजेस यहाँ पे नहीं है, मतलब वही 82% अभी तक है। हम अभी क्या किस में है, ऐप पे ही है, फिल्टरिंग ये अभी भी कर रहे हैं जो एथिकल के अंडर पे। तो ये तो एक समझ में आ गया कि ग्रामरली से लैंग्वेज करेक्शन हो गया, बट हमको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सिमिलरिटी इंडेक्स को अगर रिड्यूस करना है कि प्लेजरिज्म को रिड्यूस करना है। और एक चीज़ भी हम बाद में समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लेजरिज्म एंड सिमिलरिटी इंडेक्स, क्योंकि हम वो दोनों सेम नहीं है, बट अभी के लिए दोनों को हम एक ही समान लेके चलते हैं, क्योंकि हमको टोटल परसेंटेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सिमिलरिटी इंडेक्स के ऊपर, तो उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो लेट मी यूज सिमिलरिटी इंडेक्स, सिमिलरिटी इंडेक्स परसेंटेज जो है 82 है उसके ऊपर हम कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं और एक टूल उसको अप्लाई कर रहा हूँ, फ्री वर्सन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है राइटफुल, और एक सॉफ्टवेयर है आप भी ट्राई कर सकते हो। मैं उसको उतना यूज नहीं किया हूँ, बट ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने देखा था बहुत जगह पे राइटफुल यूज हो रहा है, प्रीमियम वर्सन भी यूज कर रहे हैं। ये अगर आप इंस्टॉल करते हो, वर्ड इंटीग्रेशन है, वर्ड एडिट्स है, तो वो आपके वर्ड पे ही आ जाएगा जैसे ग्रामरली है। तो यहाँ पे और एक फीचर है, तो जो मेरा सोर्स फाइल था, जो डेमो पेपर था, उसको मैं जब राइटफुल के थ्रू यूज मतलब कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ फिल्टर, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, एक पैराफ्रेजर है, क्योंकि मेरा क्या है, टर्निटिन मुझे बता रहा है कि सभी सेक्शन पे पूरा लाल हरा पीला हो गया है, तो मुझे पूरा कम्प्लीटली पैराफ्रेज करना है, क्योंकि बॉस और एक मतलब एफिशिएंट ये हुए है कि आप अगर पैराफ्रेज करते हो तो आपका सिमिलरिटी इंडेक्स रिड्यूस होता है। तो मैं पैराफ्रेज खुद से नहीं करके अभी क्या कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करा रहा हूँ राइटफुल। तो राइटफुल यहाँ पे पैराफ्रेजर है, अगर आप देख पाओ उसको, आप अगर क्लिक करोगे पैराफ्रेजर को तो आपको ऐसा एक इंटरफेस आएगा और एक विंडो ओपन होगा राइटफुल पैराफ्रेजर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आपका जो पैराग्राफ है यू नो इंट्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट जो भी सेक्शन का, उसको आप उठा लो, कॉपी करो, यहाँ पे डाल दो, जैसे भी यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। अब जब डालोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा एक लो लेवल ऑफ चेंजेस दैट यू वांट टू मेक, अगर मीडियम लेवल ऑफ चेंजेस आपको करना है कि हाई लेवल ऑफ चेंजेस करना है, मतलब मोस्ट चेंजेस एट फेज एंड सिमेंटिक्स लेवल पे यहाँ पे होगा। तो मैंने यहाँ पे हाई लेवल को सिलेक्ट किया है, चलो हाई लेवल करके करूँगा तो क्योंकि 82% है मेरा रिड्यूस हो जाएगा बिलो यू नो 10%, तो मैं हाई लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हाई लेवल ऑफ चेंजेस अप्लाई किया है। तो जब मैंने अप्लाई किया तो आपको तीन ठो जो आपका जो बेस और जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसके अगेंस्ट पे आपको यहाँ पे तीन डिफरेंट ऑप्शन मिल रहा है। ये आपका मान लो ये आपका बेस है, बेस पेपर का ही है, तो ये फर्स्ट हो गया सजेशन, ये सेकंड सजेशन हो गया और ये थर्ड सजेशन हो गया। तो यहाँ पे तीन वो सजेस्ट कर रहा है जो कि हाई लेवल पे उस ओल चेंजेस किया है, और यहाँ पे आप देख रहे हो जो वो हाईलाइट किया है वहाँ पे वो सब अपने हिसाब से वो वर्ड को रिफ्रेम किया है एंड वो चेंजेस किया है, सेंटेंस भी मतलब पैराफ्रेज़ किया है कहीं कहीं पे। तो मैं अभी इसको कॉपी कर रहा हूँ, आपको ऑप्शन आ जाएगा कॉपी करने के लिए, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया
और मैं अपने पेपर पे और एक वर्ड फाइल ओपन कर दूंगा, वहाँ पे उसको कॉपी कर दिया। तो उसी हिसाब से मैं अभी क्या करूँगा, ईच पैराग्राफ को यहाँ पे करके एक एक जो उसका जो मुझे रिलेवेंट लगे मैं उसको पढ़ूंगा, तीनों में से जो मुझे अच्छा लगेगा उसको सिलेक्ट करके मैंने पूरा कंप्लीट चेंजेस कर दिया ईच पैराग्राफ पे, ईच सेक्शन पे। तो अभी देखते हैं, जब मैंने वो सब चेंजेस कर दिया, ये मैंने अभी सब सेक्शन पे यहाँ पे पूरा चेंजेस कर दिया, सभी सेक्शन पे मैंने उठा के अभी राइट फुल का जो पारा फ्रेजर है उसके हिसाब से जो आया कंटेंट उसको मैंने डाल दिया। और अभी मैं जा रहा हूँ टर्निटिन पे अगेन चेक करने के लिए, क्योंकि मैं अभी श्योर हूँ क्योंकि ये बिलो 10% आएगा। आया क्या? नहीं आया। यहाँ पे भी आप अगर देखो 32% अभी तक है। ओके, बहुत चेंजेस हुआ है। 82 था, 82 से 32, मतलब अच्छा खासा चेंजेस है। बट अगेन यहाँ पे और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, अगर आप आँख बंद करके कॉपी पेस्ट कर लो जो चेंजेस उसने सजेस्ट किया है, वहाँ पे कहीं कहीं पे सेंटेंस रिपीटेटिव भी था, कुछ कुछ वर्ड रिपीटेटिव था, जो कि आपको देखना है प्रॉपरली। और वहाँ पे आप अगर बिना देखे करोगे तो फिर आप फंस जाओगे। जब भी हो कहीं पे आपने सबमिट करना है रिपोर्ट की, जर्नल पे आप भेज रहे हो, वो लोग देखेंगे कि आपने अच्छे से इवन उसको पढ़ा भी नहीं है और ऐसे सबमिट कर दिया, वो फिर आपका इनिशियल स्क्रीन पे ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो एक देखना है। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट जो पर्पस था बिलो 10% लाने का, वो फुलफिल नहीं हुआ। तो मैं अभी क्या करूँगा, अभी तक हम जा रहे हैं ऐप पे, फिल्टर पे, जो फिल्टर हमारे पास ऑप्शन है। तो सिमिलरली आपके पास, आपको भी आइडिया होगा, बहुत सारा अदर टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो। बट अगेन दिस इज AI बेस्ड टूल। तो मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो बनाया था जो कि आपका पर्टिकुलरली आपका था, सॉरी किसके ऊपर था, चैटबॉट के ऊपर, जो कि AI ओपन AI रिलेटेड टॉपिक था, जो कि टर्निटिन अप्रैल से एक फीचर ला रहा है जो चैटबॉट रिलेटेड और अदर AI रिलेटेड जनरेटेड पेपर जो है वो सबको पकड़ लेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम ये जनरेटेड नहीं बोल सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो हमने जो लिखा है वो वर्ड को रिफ्रेम कर रहा है, पैराफ्रेज कर रहा है, तो ये हम चल सकता है। बट जहाँ पे कंप्लीट वो आपको एक सेंटेंस के एक पैराग्राफ सजेस्ट कर रहा है उसको ही आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप एथिकली फंसोगे, तो वो आपको नहीं करना है। तो AI टूल, कोई भी AI टूल हो, आपको ये देखना है कि वो कौन से पर्पज़ के लिए आपने यूज करना है। आपको अगर पैराफ्रेज करना है, लैंग्वेज करेक्शन करना है, वहाँ तक ठीक है, बट ऐसा ना हो कि जो पैराफ्रेज के चक्कर में वो कम्प्लीट ही अपने हिसाब से कुछ एक आपको लाइन लिख के दे दे, वो फिर जनरेटेड टेक्स्ट हो जाएगा और वो फिर आपका प्लेजरिज्म हो गया, एथिकल इंप्लिकेशन में फंस जाएगा। तो उसलिए मेरा तो ये है कि अभी के लिए आप AI रिलेटेड टूल से थोड़ा सा दूरी बना के रखो और समझो, जब उसके रिलेटेड गाइडलाइन और पॉलिसीज पक्के हो जाएं उसके बाद आप उसको यूज करो। तो यहाँ पे चलिए फिल्टर पे मैंने ये देखा एंड मेरा पर्पस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो लास्ट मेरा था, लास्ट मेरा ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, बचा कि मैं अभी खुद से करूँ UFO। यहाँ पे अभी ओ आ गया। ओ क्या है UFO का? ओन राइटिंग, ओन री राइटिंग आप पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका पहले, ये मेरा बेस पेपर का ही जो मैंने पहले कहीं से उठाया था, शायद कॉपी पेस्ट किया था, जो कि पूरा आप देखो रेड आ रहा है, टर्निटिन से मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसको मैं अभी करेक्ट कैसे करूँ, तो पहले मैं उसको पढ़ता हूँ, एक बार अच्छे से पढ़ लिया उसको, फिर अभी मैं नहीं देख के खुद से लिखूंगा, फिर से रीराइट किया। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन इज सोर्स ऑफ लाइफ, नेवर द लेस मॉडर्न सिटी पीपल सफर फ्रॉम वेरियस इलनेस स्पेशली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन स्कर्सिटी सिम्टम्स ड्यू टू दिस दिस दिस। तो यहाँ पे मैं उसको कैसे लिख रहा हूँ, समझ लिया क्या बात चीज है? तो अभी मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड ऑक्सीजन स्कर्सिटी कुड lead to various illness and health challenges with blah blah blah।
तो अभी मैं चीज़ को समझ के अपने हिसाब से सेंटेंस को मर्ज करके भी लिख सकता हूँ और उसको घुमा के भी लिख सकता हूँ। जब मैं वो कर रहा हूँ इस सेक्शन पे अभी मैं करूँगा, अभी मैं जो कर दिया पहले जहाँ से उठा लिया था कंटेंट, मतलब मेरा जो सोच था कि किसके ऊपर काम कर रहा हूँ वो तो मेरे पास है, बट उसको जब मैं लिख रहा हूँ अपने हिसाब से समझ के उसको रीराइट कर रहा हूँ। तो ये जब आप कर रहे हो यहाँ पे, वो मेरा हो गया कंप्लीट अभी, तो उसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो डेमो ओन रीराइटिंग। फिर से मैं टर्निटन पे आया, यहाँ पे उसको अपलोड करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये मेरा कंप्लीट पेपर है जो खुद से अभी उसको रीराइट किया हूँ इस सेक्शन पे, खुद से पूरा अभी उसको बनाया। और अभी उसको मैं जब अपलोड करने के लिए जाता हूँ एंड देखते हैं तो अभी क्या आया, यस 0%, क्योंकि हर सेक्शन पे हर पैराग्राफ पे मैंने उसको अपने हिसाब से ही रीराइट किया है। तो UFO का जो ओ था, ओ योर सेल्फ यू और दैट वी यू नो यूज टू थिंक एंड राइट, वही यहाँ पे काम पे आएगा। अपना दिमाग लगा के उसको रीराइट करो, समझो पहले तो क्या था, अंडरस्टैंड, समझो क्या हुआ है, कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, जो आपके पास फिल्टर है जो आप अप्लाई कर सकते हो वो करो, कोटेशन, देन आपका बिब्लियोग्राफी हटा दिया, अगर सोर्सेस आपको ओन यू नो पब्लिश सोर्सेस को हटाना है आपका सुपरवाइजर के साथ कंसल्ट करके उसको हटाओ, फिर अपने हिसाब से उसको रीराइट करो। तो मेरा ये कहना है कि 82% पहले से नहीं आके अगर आप वो चीज़ को पहले से अपने हिसाब से लिखो, चीज़ को जब आप बना रहे हो, जब रिपोर्ट बना रहे हो, वहीं पे ही आपका 82 नहीं आएगा, वहाँ पे आप जब फर्स्ट टाइम लिखोगे आपका शायद 22 आए इंस्टेड ऑफ 82, कि 12 आए कि 32 आए, जो भी है, इस नंबर को रिड्यूस करना ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ 82। एंड यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी सोर्सेस आ रहा होगा वो आप जब बेसिक फिल्टर यूज करोगे ये आपको रिड्यूस कर देगा बिलो 10 और इवन 0%। तो ये आपको फॉलो करना है, स्टे ट्यून एंड प्लीज हिट द लाइक आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड अपने नेटवर्क में भी आप शेयर करो सो दैट अदर विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।